हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन वर्ल्ड माय ड्रीम गार्डन चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूँ अजय और आप सब व्यूअर्स को धनतेरस, छोटी दीपावली एंड दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आइए आज बात करते हैं एक बेहद खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट। देखिए फ्रेंड्स, आपको लाइव दिख रहा होगा, जिसका नाम है फ्रेंड्स टिकोमा प्लांट। कॉमन नेम इसको टिकोमा नाम से ये जाना जाता है। फ्रेंड्स, अदर नेम तो इसके कई नेम्स हैं, जैसे अलग अलग रीजन में अलग अलग नेम है फ्रेंड्स। और ये एक वाइन प्लांट है फ्रेंड्स। वाइन प्लांट होने के कारण इसे क्रीपर टाइप भी बनाया जा सकता है फ्रेंड्स, और इससे स्मॉल ट्री टाइप बुशी प्लांट बनाया जा सकता है फ्रेंड्स। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस टाइप से इसकी शेप देना चाहते हो। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स इसकी सॉइल थोड़ी इस टाइप से ड्राई रहनी चाहिए, यानी मॉइस्ट टाइप रहनी चाहिए, यानी नमी बनी रहे ओनली इसको, बिकॉज इसको मॉडरेट वाटर रिक्वायर होता है, मीडियम वाटर चाहिए होता है फ्रेंड्स इस प्लांट को। ज़्यादा पानी में भी प्लांट्स गल जाता है, और ऊपर से यदि आपने गमले में लगा रखा है तो बहुत सावधानी रखना ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि गमले में और नॉर्मल ज़मीन में लगाने में काफ़ी डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। नॉर्मल ज़मीन से तो वो अपने न्यूट्रिशन से ऑटोमेटिक खुद ले लेता है फ्रेंड्स, बट गमले में हमें उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन देना होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा प्लांट्स कितना हेल्दी हो रखा है और कितना ब्रॉड फैला हुआ है फ्रेंड्स ये। अब फ्रेंड्स अक्टूबर का मंथ चल रहा है फ्रेंड्स, और दिवाली टाइम का वीडियो फ्रेंड्स ये, यानी आज 26 अक्टूबर है। तभी भी देखिए फ्रेंड्स, इसमें फ्लावरिंग शानदार हो रखी है फ्रेंड्स, जबकि ये एक समर प्लांट है फ्रेंड्स। समर में इसकी फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा आती है, बट मेरे यहाँ पर अक्टूबर में भी ये फ्लावरिंग इजीली दे रहा है फ्रेंड्स, बिकॉज क्योंकि हमारा रीजन राजस्थान पड़ता है, इसलिए यहाँ थोड़ी गर्मी बनी रहती है फ्रेंड्स विंटर में भी। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस प्लांट के बारे में डिटेल से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये प्लांट एक गर्मियों का प्लांट है, जिसमें फ्लावरिंग गर्मी में बहुत ज़्यादा आती है फ्रेंड्स। और अब कलर की बात करें फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये प्लांट कई वेराइटी एंड कई कलर्स में अवेलेबल होता है। इस प्लांट की ऑल ओवर वर्ल्ड 14 स्पेसीज है फ्रेंड्स, जिसमें से 12 स्पेसीज यानी 12 प्रजाति अमेरिका में पाई जाती है, और 2 प्रजाति यानी 2 स्पेसीज वो अफ्रीका में पाई जाती है फ्रेंड्स। और ये कई कलर्स में अवेलेबल है फ्रेंड्स, जैसे कि वाइट कलर में ये अवेलेबल होता है, ऑरेंज में, पर्पल में फ्रेंड्स, ये मेरा पर्पल में, और येलो भी है मेरे पास फ्रेंड्स, बट उसमें अभी फ्लावरिंग नहीं आ रही फ्रेंड्स, और ऑरेंज में होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऑरेंज वाला प्लांट होता है इसमें, जो उस थोड़ा वो सेमी शेड्स एरिया में रहना पसंद करता है, क्यों उसका नेचर ही इस टाइप का है, थोड़ा ज़्यादा सनलाइट वो पसंद नहीं करता फ्रेंड्स। और ये इसको मीडियम सनलाइट पसंद है, और प्लांट्स को बाकी को यानी मॉर्निंग की धूप इनको रिक्वायर होती है फ्रेंड्स, और इनको मीडियम वाटर रिक्वायर होता है फ्रेंड्स, ज़्यादा पानी की इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती फ्रेंड्स। देखिए मेरे, और एक बात और, इसमें फ्लावरिंग बंच में आती है फ्रेंड्स, जैसे बंच में अलग ही लुक आता है प्लांट्स को, जैसे देखिए आप भी मेरे प्लांट में बंच में फ्लावरिंग आई हुई है फ्रेंड्स इसकी। और फ्रेंड्स इसका अदर नेम बताता हूँ मैं आपको, टिकोमा तो इसको कॉमनली बोलते ही हैं फ्रेंड्स, इसको हनी सकुलेंट प्लांट भी बोलते हैं कई रीजन्स में, कई रीजन में येलो बेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसके फ्लावर्स बेल्स टाइप होते हैं, इसलिए येलो बेल्स या पर्पल बेल्स या ऑरेंज बेल्स भी बोला जाता है फ्रेंड्स। और इसकी वाइट स्पेसीज होती है, उसकी फ्लावरिंग बेहद ही शानदार होती है फ्रेंड्स। और इसका साइंटिफिक नेम
कैंपेसिस रेडिक है फ्रेंड्स, और यह एक स्मॉल ट्री स्पेसिस का प्लांट है फ्रेंड्स, जो ट्रम्पेट माइन फैमिली से बिलोंग करता है। और फ्रेंड्स टिकोमा, आप टिकोमा इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये एक मैक्सिकन बर्ड है, और टिकोमा का मैक्सिकन बर्ड है और मैक्सिकन ही प्लांट है फ्रेंड्स, और टिकोमा का अर्थ होता है कि स्ट्रेट यानी सीधा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं, हाँ तो इसकी फ्रेंड्स ये एक पेरिनियल प्लांट्स है फ्रेंड्स, जिस पेरिनियल का मतलब ये नहीं है कि वो फ्लावरिंग ऑल सीजन देगा फ्रेंड्स, पेरिनियल का मतलब है वो हेल्दी बना रहता है ये प्लांट्स हर सीजन में फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स इसमें और फ्लावरिंग इसमें सीजन टू सीजन आती है फ्रेंड्स, बट ये ग्रीनरी इसमें ऑल सीजन बनी रहती है फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स जहाँ पर ज़्यादा विंटर होती है वहाँ ये डोरमेंट पोजीशन में चला जाता है, यानी कुछ लिप्स ये गिरा देता है, बट लिप्स नहीं गिरा पाता, पर गिराता फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसकी सॉइल के बारे में। तो फ्रेंड्स हर प्लांट की तरह इस प्लांट को भी वेल ड्रेनेज सॉइल रिक्वायर होती है फ्रेंड्स, और ज़मीन में आप किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं इसको, क्योंकि ये एक हार्डी प्लांट भी है, इस कारण ये कहीं भी इजीली सर्वाइव कर जाता है फ्रेंड्स। तो इसमें आप अगर गमले में लगा रहे हो तो उसकी सॉइल मैं आपको बता देता हूँ, तो बर्मी कंपोस्ट, एक पार्ट बर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, एक पार्ट गार्डन सॉइल ले लीजिए, और ड्रेनेज सिस्टम के लिए आप इसमें रिवर सैंड मिला सकते हैं या कोकोपीट मिला सकते हैं, ताकि ड्रेनेज इसका अच्छा बना रहे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो फ्रेंड्स इस प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइज़र डाले तो ग्रोथ इसकी ज़्यादा बेटर होगी फ्रेंड्स, और इस प्लांट में अब मैं आपको एक स्पेशल मेथड बताता हूँ इस प्लांट को फ्रेंड्स। अगर आपका प्लांट डेढ़ से दो साल का है तो फ्रेंड्स उसमें आप आधा पार्ट पोटास का ले लीजिए, और उससे भी हाफ यानी 1/4 पार्ट सुपर फास्फेट का लेके इसमें गोडी करके इसमें डाल दो फ्रेंड्स, और उसके 15-20 दिन बाद आप इसमें डीएपी का इक्वल पार्ट ले लीजिए, और कुछ पार्ट एक या डीएपी ले लीजिए आप हाफ डीएपी के आप ले लीजिए फ्रेंड्स 9-10 ग्रेन्स फ्रेंड्स, और मस्टर्ड केक ले लीजिए थोड़ा, और एनपीके ले लीजिए जैसा कि आपका पोट है उसके अकॉर्डिंग, और इन तीनों का मिक्सर बना के इसमें डाल दीजिए, फिर वाटरिंग कर दीजिए फ्रेंड्स। फिर देखना फ्रेंड्स 30 डेज में आपकी क्या फ्लावरिंग आएगी, पूरा आपका प्लांट फ्लावरिंग से भर जाएगा, जैसा कि मेरे प्लांट में अक्टूबर में भी फ्लावरिंग काफ़ी आई हुई है फ्रेंड्स। तो मैं ये इसमें एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ फ्रेंड्स, और बट प्रिकॉशंस रखिए कि ये जब आपका प्लांट बड़ा हो जाए या ग्रो इन प्लांट हो, ज़्यादा हेल्दी प्लांट हो तो उसमें ही कीजिए, ये छोटे प्लांट में मत कीजिए, छोटा प्लांट मर जाएगा अगर ये वाला आप ट्रीटमेंट करोगे तो इसमें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं, तो अब इसकी डिजीज़ की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्लांट में भी अनप्लांट की तरह इंसेक्ट्स लगते हैं, बट फ्रेंड्स इस प्लांट में नीम ऑयल स्प्रे करते रहना चाहिए, और फ्रेंड्स बात करते हैं फ्रेंड्स प्रोपोगेशन की। तो फ्रेंड्स इसके प्रोपोगेशन वही कटिंग या बाई सीड्स दोनों टाइप से इसका प्रोपोगेशन हो जाता है फ्रेंड्स, और इसकी प्रूनिंग करते रहना चाहिए। जैसे कि देखो मेरे प्लांट कितनी हाइट बढ़ गई है, इसकी प्रूनिंग की ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो इसकी प्रूनिंग अब मैं अक्टूबर मंथ चल रहा है, इसमें फ्लावरिंग जाती है, इसकी प्रूनिंग कर दूंगा, और इसकी ब्रांचेज को दूसरी जगह लगा दूंगा, ताकि वो जनवरी या फरवरी के मंथ में दोबारा डेवलप हो सके। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कुछ अदर्स प्रिकॉशंस की फ्रेंड्स। तो इसमें फ्रेंड्स हम
आधा चम्मच माइक्रो न्यूट्रिशन पाउडर भी आता है, वो भी बीच बीच में डाल देना चाहिए 10-1 दिन में फ्रेंड्स। मार्केट में अवेलेबल है, वो मंगवा सकते हैं फ्रेंड्स। और इसमें ओवर वाटरिंग से बचना चाहिए इस प्लांट में, और इसमें अंडर वाटरिंग भी लाभकारी नहीं है इस प्लांट में फ्रेंड्स, क्योंकि इसको मॉडरेट वाटर रिक्वायर होता है, इसलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखें। और इसमें खाद होता है वो टाइम टू टाइम देना चाहिए, और गर्मियों में मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पानी देना चाहिए इसमें। और गर्मियों में इसको ग्रीन नेट में रखना चाहिए, शेड्स एरिया में रखना चाहिए, और पोर्ट्स के नीचे ट्रे रखनी चाहिए ताकि वाष्पीकरण होता रहे फ्रेंड्स, उससे पेड़ को नमी रहेगी पेड़ के आसपास और पेड़ की ग्रोथ अच्छी रहेगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स तो बात करते हैं इसको, तो फ्रेंड्स इसको नोड से कट कर देना चाहिए। अगर मल्टी ब्रांच चाहिए हमको तो इसकी मेन ब्रांचें जो नई निकली हुई उसको कट देना चाहिए, उस वहाँ से आपकी 2 ब्रांचेज निकलेगी फ्रेंड्स। और इसमें गोडी करते रहना चाहिए फ्रेंड्स ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी रहे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि नए नए वीडियो से मैं आपको प्लांट्स के बारे में जानकारी देता रहूँगा फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स, और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी मिल गई होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, और आप सभी को हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।